हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल एपिसोड 2। मैं हूं शुभंकर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे RNFI सर्विस के बारे में। तो RNFI का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर आया एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैं RNFI का जो पोर्टल है ऑलरेडी ओपन करके रखा है, पर आप देख सकते हो RNFI का सर्विस जो है। यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ पर आप कैश विड्रॉल कर सकते हो। देखिए, कैश विड्रॉल पे बहुत सारा कमीशन दिया जा रहा है। यहाँ पर आप माइक्रो ATM ले सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। देखिए, यूटिलिटी बिल पे कर सकते हो, एयर टिकट बुकिंग कर सकते हो, यहाँ पर पैन कार्ड बना सकते हो, बहुत सारे काम यहाँ पर होता है। तो आज का जो वीडियो है, मैं RNFI का रिटेलर जो है फ्री में आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो बहुत ऐसा वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर RNFI का आपका ID दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज आपसे लिया जाएगा। लेकिन मैं जो है आपको फ्री में RNFI का रिटेलर ID आप लेने के लिए अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, वो भी हाईएस्ट APS कमीशन के साथ। तो आपको 1 रुपीस भी पे करना नहीं होगा और इसका रिटेलर ID आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक तो बनता ही, एंड अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का फ्री रिलेटेड मैं बहुत सर्विस आपको देता रहता हूँ। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैं कनेक्ट होए का रिटेलर ID फ्री में देने का वादा आप लोगों से किया था। तो ऑलरेडी बहुत लोगों का रिक्वेस्ट उस वीडियो में आया था एंड उस वीडियो को बहुत लोगों ने भी देखा था। तो ऑलरेडी जितने लोगों का रिक्वेस्ट आया था, मैं ऑलरेडी सबका ID बना चुका हूँ, कुछ लोगों का बाकी है तो वो भी बन जाएगा बहुत जल्द। और अभी बात करते हैं इस सर्विस के बारे में। तो RNFI का तो नाम आपने सुना ही होगा, RNFI सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। RNFI एक ब्रांडेड कंपनी है जो आपको ICICI APS के साथ प्रोवाइड करता है। ICICI बैंक के साथ आपको काम करने का मौका दे रहा है RNFI। और RNFI का एक लेटेस्ट अपडेट सुनिए, यहाँ पर बहुत जल्द आपको अकाउंट ओपनिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर आ सकता है। इस रिलेटेड मेरे पास इंफॉर्मेशन है, एंड यहाँ पर मैंने सुना था कि मेरा जो ऊपर लेवल का सर है वहाँ पर, उनसे मैंने बात किया था, तो आप लोगों को फ्री में एक करेंट अकाउंट भी खोल के दिया जाएगा आपका जो भी ICICI बैंक होगा नियर में। एंड अगर आप ICICI बैंक से 10 किलोमीटर के अंडर रहते हो, एंड वहाँ पर अभी CSP भी दिया जा रहा है ICICI बैंक का, लेकिन CSP लेने के लिए अलग से प्रोसेस होता है बहुत सारा, इसलिए सब लोगों को तो CSP नहीं मिलता है, बहुत ही कम लोगों को CSP दिया जाता है। लेकिन आप RNFI का रिटेलरशिप लेकर भी बहुत सारा काम कर सकते हो, या पर डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छा आपको बहुत ही लो कॉस्ट का यहाँ पर चार्ज लेता है। अगर आप 10,000 किसी को सेंड करोगे तो आपको सिर्फ 20 से 30 रुपीस ही लिया जाएगा, लेकिन अगर आप पे नियर बाई या दूसरे किसी कंपनी से सेंड करने जाओगे तो आपको 100 रुपीस देना होगा। लेकिन RNFI का जो कॉस्ट है बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट है, एंड इसका जो भी सर्विस है बहुत ही फास्ट है, इसका सर्वर कभी भी डाउन नहीं रहता है। तो मैं खुद से भी रिटेलरशिप मान के यहाँ पर वर्क करता हूँ, तो मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर देखिए, यूटिलिटी में आपको मिल जाता है प्रीपेड DTH। यहाँ पर देखिए, ये जो ID है मैंने नया बना है और ये डेमो का ID है, इसीलिए यहाँ पर मैंने VPS को एक्टिवेट नहीं किया एंड APS को भी एक्टिवेट नहीं किया। तो RNFI का ID जो दो तरह का होता है, एक जो है APS एंड एक है विदाउट APS। तो जो फ्री ID होगा उसमें आपको APS नहीं मिलेगा। तो APS के लिए आपको सिर्फ 200 रुपीस पे करना होगा, इस तरह का कुछ। तो मैं अभी फ्री में ID प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप APS के साथ लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो मैं विदाउट APS का भी आपको दे दूंगा। देखिए, यहाँ पर भी बहुत सारा ऑफर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप जितने भी वीडियो देखोगे यूट्यूब पर, विदाउट APS भी RNFI का जो ID है किसी ने भी फ्री में आपको नहीं देगा। अगर आप यहाँ पर मेरा सलाह मानोगे तो आपको पहले तो इस ID में RNFI के साथ काम करना ही चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है। कुछ दिन पहले देखिए, पेनियर बाय बहुत अच्छा चल रहा था, तो पेनियर का जो येस बैंक है वो जो एक ही बैंक के साथ वो टाई अप था, इसलिए उसका सर्विस तो बहुत ही डाउन हो चुका है अभी।
अभी चल रहा है, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम उस समय आ रहा है। लेकिन RNFI का सर्विस अगर आप देखोगे, इसका सर्विस कभी भी डाउन नहीं होता है। एंड RNFI का बहुत सारे बैंक के साथ टाइप है। ये RNFI का माइक्रो ATM भी है, वो भी अगर आप लेना चाहते हो तो मैं पूरा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो RNFI के साथ एक बार आपको काम करके देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पर मैंने बोला ही था पहले कि जो मनी ट्रांसफ़र का कॉस्ट है बहुत कम है, एंड एयर टिकट भी ऐसे आप बुक कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर APS आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है। यहाँ पर देखिए IRCTC, अगर आप IRCTC का एजेंट बन के ट्रेन टिकट बुकिंग करना चाहते हो तो भी यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए DTS रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज पे भी बहुत ही अच्छा कमीशन दिया जाता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए होटल बुकिंग, ऐसे आप होटल बुकिंग भी कर सकते हो। तो RNFI एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, तो मेरे हिसाब से आपको इसके साथ एक बार काम करके देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो तो एक बार आप RNFI का रिटेलरशिप लीजिए एंड काम करके देखिए। अगर आपको सर्विस अच्छा नहीं लगता है नहीं तो इसको आप यूज़ मत करिए, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर आप यहाँ पर वर्क करोगे तो आपको ये सर्विस जो है बहुत ही अच्छा लगेगा, एंड यहाँ पर आप वर्क करने जाओगे। इस कंपनी में अगर आप एक बार काम करोगे तो दूसरे किसी में काम आप नहीं करोगे, ठीक है। तो ये जो ID है, इसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा तो अभी मैं उसको बता देता हूँ। मेरा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको अपना मेल ID कमेंट कर देना होगा। तो जैसे अपना मेल ID आप कमेंट कर दोगे तो मैं उस मेल ID पे आपको एक फॉर्म भेजूंगा। उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करना होगा, 4 पेज का एक फॉर्म होगा, एंड उस फॉर्म में एक फ़ोटो लगाना होगा, एंड उसके बाद उस फॉर्म को भर के सारे डिटेल्स भर के आपको मुझे उसी मेल में आपको रिप्लाई करना होगा। उसके साथ आपको अटैच करना होगा एक सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, एक वोटर कार्ड, एक कैंसिल चेक या पासबुक, जो भी आप यहाँ पर लिंक करना चाहते हो। क्योंकि जब आप APS से विड्रॉल करोगे उसका जो बैलेंस होता है, जब आप अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र करोगे तो जो बैंक अकाउंट आप वहाँ पर देना चाहते हो उसी बैंक अकाउंट का पासबुक या चेकबुक चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और RNFI का KYC जो है अभी बहुत ही टफ हो चुका है, तो किस तरह से KYC करना है तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं उसके लिए। तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना होगा, एंड मेरा जो चैनल है अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने RNFI का एक रिटेलरशिप आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, जो कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आप YouTube में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा RNFI के रिलेटेड, लेकिन कोई भी आपको फ्री में ये जो ID है प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको बोलेगा APS के साथ ही आपको ID लेना होगा। लेकिन फ्री में अगर आप लेने जाओगे तो कोई भी नहीं देगा। तो मैं अभी आपको ID प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप फ्री में लेने चाहते हो तो आपको APS नहीं मिलेगा, एंड दूसरे काम आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप APS के साथ लेना चाहते हो तो इसका कॉस्ट भी मैंने बहुत ही कम रखा है, सिर्फ 300 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा विथ APS। अगर आप 300 रुपीज़ पे कर दोगे तो आपको APS के साथ सारे के जो सर्विस है यहाँ पर आपको एक्टिवेट करके दिया जाएगा। एंड अगर आप इसका माइक्रो ATM भी लेना चाहते हो तो अगर आप मेरे से लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर ATM, यहाँ पर से आप खुद से भी ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। एंड उसको किस तरह से एक्टिवेट करना है वो कंपनी से आपको डायरेक्ट गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो किस तरह से उसको यूज़ करना है एंड एक्टिवेट करना है फर्स्ट टाइम। तो RNFI एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, मेरे हिसाब से एक बार आपको काम करके देखना ही चाहिए। ID भी आपको फ्री में मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ID, यहाँ पर जो माइक्रो ATM का कॉस्ट रखा गया है सिर्फ 6,500 रुपीज़ आपको देना होगा माइक्रो ATM के लिए, एंड यहाँ से आप इंश्योरेंस भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अभी मेरे कमेंट बॉक्स में चले जाइए एंड अपना मेल ID कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं फॉर्म भेज सकूँ आपको। एंड आप इस ID एक बार आप इस ID को ले लीजिए एंड इस ID को यूज़ करके देख लीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूँ कि आपको लेना ही है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी ID के लिए वहाँ पर मेल ID कमेंट करना।
अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं कोई प्रेशर नहीं दे रहा हूँ आपको कि लेना ही चाहिए, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो सर्विस है बहुत ही अच्छा है, आपको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है कंपनी।